Good morning to my all brilliant students and faculty members who are watching this video and channel. Uh, on the eve of Independence Day, uh, I gave my heartfelt congratulations uh, to all the people of this nation. कोलियोप्टेरा के क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा आ, ये जो टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो एंटोमोलॉजी में अपना कोर्स कर रहे हैं और एमएससी स्पेशलाइजेशन पेपर के रूप में एंटोमोलॉजी में जो एमएससी कर रहे हैं और एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स जिनके एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर के रूप में जिन्होंने ऑप्ट किया है आ, व्याख्यान उनके पर्पज का है इसके अलावा लेमैन के लिए स्टूडेंट जो है जो आई एफ एस की तैयारी कर रहे हैं आई एस की तैयारी कर रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन इस पी पी टी वीडियो के द्वारा आपसे मैं शेयर करूंगा तो कोलियोप्टेरा क्या है कोलियोप्टेरा को कितने सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज हैं कौन कौन से इसके इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है आ, उन सभी पहलुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा हाँ ये जनरल जैसे आउटलाइन क्लासिफिकेशन है क्लास इंसेक्टा के अंदर टेरिगोटा या जिसको मेटाबोलोई बोलते हैं टेरिगोटा के अंदर एंडोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा में ये नो ऑर्डर्स हैं। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है दैट इज कोलियोप्टेरा हा क्लोलिपटेरा का अर्थ क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलियोप्टेरा Uh, कोलिप्टेरा मीनस कोलियोमी सीथ सीथ यानी कोई आवरण जैसे चार तरफ से सराउंडेड हो और टेरा तो इसके पंखों की जो बनावट है उनकी शेप और साइज है वो ऐसी है जैसे कोई uh, पूरी बॉडी एक सीथ के द्वारा कवर्ड हो तो कोलिप्टेरा मीन सीथ विंग uh, इसके जो जनरल हैं उसमें बॉडी माइन्यू टू वेरी लार्ज हार्ड बॉडीड लार्वी कंपेडी फॉर्म और स्क्रेवी फॉर्म और वर्मी फॉर्म प्यूपी एक्सरे टाइप की होती है ये अलग अलग टाइप्स के लार्वा होते हैं अलग अलग टाइप के प्यूपी होते हैं इनका जब अलग से जब टॉपिक आएगा लास्ट यूनिट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसमें आपके कोर्स में है टाइप्स ऑफ प्यूपी टाइप्स ऑफ लार्वी टाइप्स ऑफ मेटामोसिस तो इन कोलेपटेरा के अंदर लार्वी जो है वो कंपेडी फॉर्म टाइप की हो सकती है स्क्रेवी फॉर्म टाइप की हो सकती है वर्मी फॉर्म यानी क्रेमी रूपी हो सकती है और प्यूपा जो है वो एक्सरे टाइप के होते हैं माउथ पार्ट से चिविंग टाइप के होते हैं प्रोग होते हैं प्रोग्नेथस मतलब हेड एक तीनों अस्सी डिग्री की एक सीध के अंदर है कुछ इंसेक्ट में हाइपोगनेथस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं लार्वा के अंदर चिविंग टाइप के माउथ पार्ट्स मिलेंगे आइज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई प्रजेंट होती है या एबसेंट होती है ओसिलाई एबसेंट होती है लेकिन लार्वा के अंदर कंपाउंड आई एबसेंट होती है लेकिन लटरल और सिलाई प्रजेंट होती है एंटीना वेरिएबल प्रकार की होती है और लार्वा के अंदर एंटीना अपेक्षाकृत छोटी साइज की होती है स्मॉल इन लार्वी विंग्स फॉर विंग होता है यानी हार्ड होता है क्यूटिकुलराइज होता है और यह इलेक्ट्रा के रूप में पाया जाता है दैट प्रोटेक्ट हाइड विंग एट रेस्ट सम फ्लाइटलेस विथ फ्यूज एलेक्ट्रा जो कुछ फ्लाइटलेस इंसेक्ट है उनके अंदर एलिट्रा जो होते हैं फ्यूज होते हैं आ, कुछ स्पीशीज पंख विहीन भी होती है सम फ्यूज स्पीशीज आर बिंग लैश लेग्स कार्सोरियल प्रकार के होते हैं सम अडेप्टेड फॉर स्विमिंग है जो एक्वेटिक बीटल्स हैं उनके अंदर टांगे हैं वो तैरने के लिए मोडिफाई हो जाती है सम अडेप्टेड फॉर डिगिंग कुछ के अंदर मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए अडेप्ट हो जाती है लार्वी विथ सिक्स लेग्स लार्वी में छह टांगे होती है और कुछ जो लार्वी है वो भी, भी होती है समर लेगलेस। इन एबडोम लार्वी विथ पोस्टीरियर पेयर लार्वी विथ पोस्टीरियर पेयर ऑफ प्रोलेक्स यूजली ए पेयर ऑफ स्पायरिकल ऑन ईच ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट प्लस वन और टू पेयर ऑफ थोरेक्स। तो एबडोम के जो पहले जो आठ सेगमेंट है उनके अंदर स्पाइरकल्स पाए जाते हैं और कुछ स्पाइरिकल एक अथवा दो जोड़ी वो थोरक्स में मिलते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान इनके हर सेगमेंट में स्पायरिकल्स की जो ओपनिंग होती है मिलती है और इसकी बेसिस पे पूरा क्लासिफिकेशन भी है इनका ट्रैकल सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स ये टॉपिक में अलग जब रेस्परेटरी सिस्टम का आएगा तो उसमें आपसे शेयर करूंगा इसके अलावा जनरल कमेंट्स में प्रोनोटम सिंगल स्क्लेराइट वर्मी फॉर एंड फॉर्म। लार्वी आर ऑफ एन कॉल्ड इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कोलेप्टेरा के अंदर क्योंकि यहाँ आपने चोरू चोरू डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे हमने बीटल्स पे एक प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया है तो उसमें करीब 50 स्पीसीज यहाँ हमने ऑब्जर्व करी है इसमें इसके मेन एग्जाम्पल्स में डंग बीटल्स जेवल बीटल्स टाइगर बीटल्स ग्राउंड बीटल्स ब्लिस्टर बीटल्स और इन सभी का डिटेल में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा ये आउटलाइन क्लाशकेट है कोलियोप्टेरा का तो कोलियोप्टेरा के अंदर दो सब ऑर्डर है एडिफेगा और पोलिफेगा एडीफेगा के अंदर चार फैमिलीज हैं कैरेबीडी सिसिंडेलिडी डाइटिस डी गायरीनिडी पोलिफेगा के अंदर टोटल चौदह क्लासेस हैं चौदह फैमिलीज हैं हाइड्रोफिलिडी लुकेनिडी स्क्रेबिडी डेटी डी कॉक्सीडी टेनेब्रियोनिडी मैलोइडी बप्रेस टी डी इलाटेडी लंपाइरिडी क्राइसोमेलीरम और कुकुल इन सभी के कमेंट्स और सभी के एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा आ, तो फर्स्ट इसके अंदर जो सब ऑर्डर है दैट इज एडिफेगा

टूबुल चार है. होते हैं जो कि सिंपल टाइप की होती है फर्स्ट फैमिली कैरेबिटी कैरेबिटी में जितने भी ग्राउंड बीटल्स है इनको इंक्लूड uh, किया गया है एंटीनाइसलीफॉर क्लाइपियस नॉट एक्सटेंडिंगली इन फ्रंट ऑफ बेस ऑफ एसिनिया विदाउट ए मोवल मोस्टली कार्निवर लिविंग अंडर स्टोन बार्क डॉटन वुड्स तो पत्थरों के नीचे छाल के नीचे जो वुड है जो सड़ी सड़ रही है गल रही है उन वुडन लॉक्स के नीचे ये पाई जाती है एग्जाम्पल कैरेबस लेट्रोलिस एंड कैलोशोमा सिंकोफेक्टा ये इंसेक्ट बीटल अपने यहां काफी संख्या मिलती है ये इसका जैसे फिगर मैंने शेयर किया है दिस इज ग्राउंड बीटल सेकेंड फैमिली इज सिसिंडेलिटी इनके अंदर टाइगर बीटल्स को इंक्लूड किया गया है आईज आर प्रोमिनेंट लार्ज एंड डेंटेट मेडिबल्स लेसिनिया विथ ए मोवेबल हुक क्लाइपियस एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ द एंटीनल सॉकेट टांगी लंबी होती है in abdomen in male seven and in female six segment present उधर के एब्डोमेन में सात सेगमेंट है और फीमेल के एब्डोमेन में छह सेगमेंट है और बाकी के जो सेगमेंट होते हैं वो गोनेपोफाइसेस में मॉडिफाई हो जाते हैं इसके अंदर एग्जांपल सिसिंडा ये टाइगर बीटल का जैसे फिगर है इसमें इसमें टाइगर की तरह जैसे पैचेस होते हैं इसके एलीट्रॉन के अंदर तो टाइगर में जैसे स्किन में धारियां होती है उस तरह के इसके अंदर ये पैचेस होते हैं और इसके कारण इसलिए इसको कॉमन नेम टाइगर बीटल दिया है नेक्स्ट इस इसके अंदर जितनी भी डाइविंग बीटल्स है। पानी के अंदर जो तैरने वाली जो बीटल्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ब्रॉड हेड हेड बड़ा होता है टाइटली फिक्स्ड विथ थोरक्स थोरक्स के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है स्कूटेलम विजिबल प्रकार का होता है हाइंड हाइंडकॉक्स लार्जर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड इंटो प्लेट हाइंडकॉक से बड़ी होती है और प्लेट के साथ नॉट प्रोड्यूस इनटू प्लेट एटिना फिली प्रकार की होती है यानी फिलामेंट की जैसी हैंड लेग एडेप्टेड फॉर स्विमिंग पिछली जोड़ी जो टांगे जो हैं वो तैरने के लिए अनुकूलित हो जाती है एलिट्रा कवर द इंटायर एप्डाम एलिट्रा पूरे एबडामन को घेरे रहता है इसमें आप देख रहे हो पूरी बॉडी के ऊपर ये ये विंग है इसका लेकिन अगर विंग है बहुत ही हार्ड होता है सख्त होता है जिसको एलिट्रॉन बोलते हैं वो पूरे एप्डामन तक ये विंग है वो कवर्ड है इसमें विंग्स आर लार्ज एंड फंक्शनल पंख बड़े होते हैं फंक्शनल होते हैं एग्जाम्पल डाइविंग बीटल्स और इसमें आप देख लो इनकी जो टांगे हैं ये टांगे स्विमिंग के लिए इसके अंदर नेक्स्ट फेविली इज गायरी इसमें हार्डली गिक बीटल्स को इनक्लूड किया गया है स्टीली ब्लैक और ब्राउन्ज काले रंग की होती है या uh, तांबे के कलर की होती है कॉपर कलर की एंटीना छोटी होती है एंटीना हॉर्जेंटली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एंटीनाटली जाके दो पार्ट में हो जाती है फोर लेग्स आर लॉन्ग अगर टांगे लंबी होती होती है होती है प्रीहेंसाइल हैंड लेग इन द फॉर्म ऑफ पैडल्स बस टांगे हैं वो पतवार के रूप में बोडफाई हो जाती है पानी में तैरने के लिए स्विम एक्टिवली इन वाटर पानी में एक्टिवली स्विमिंग करते हैं लार्वी प्रिडेस प्रकार की होती है एग्जाम्पल इज वर्ग इक बीटल्स ये पिक्चर आप देख रहे हो वर्ली के कैपिटल का हां इसके बाद सेकंड सब सबऑर्डर है इसमें पॉलीफेगा पॉलीफेगा के मेन कमेंट्स हाइंड कॉक्सी मोएबल होती है विंग्स नेवर विद डिस्टिंक्ट ओब्लोंगम नॉट सल्कस नेवर डिस्टिंक्ट इन प्रोथोरेक्स टेस्टिस फॉलिकुलर प्रकार के होते हैं ओवेरियन एक्रोट्रोफिक प्रकार की होती है बेलफीजियन ट्यूबल्स अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि मेलपीजन ट्यूब नॉर्मल टाइप की होती है क्रिप्टोनेफ्रीडियल टाइप की होती है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलरली मोडिफाई हो जाती है अब चूंकि ये बीटल्स जो है ये डिजर्ट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इनका मेलपीजियन सिस्टम जो होता है उत्सर्जित तंत्र होता है वो थोड़ा इसके अंदर मोडिफाई हो जाता है तो चार चार टाइप की मेलपीजियन ट्यूबुल इंसेक्ट में जनरली देखने को मिलती है जिसमें कुछ मेलपेजियन ट्यूबुल के साथ फ्यूज हो जाती है जिसको क्रेप्टोफेडियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इनके अंदर वाटर का एक काउंटर करंट सिस्टम है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है सेकेंड सब में फर्स्ट फैमिली हाइड्रोफीडिटी इनको वाटर स्केवेंजर के नाम से जाना जाता है एक्वेटिक सब एक्टिक अथवा टेरेस्ट्रियल एंटीनी हेड के नीचे फिट होती है तारसाई फाइव सेगमेंटेड होती है और ये शाकाहारी होती है हर भी वर्ष एग्जाम्पल हाइड्रोफिलस ये अगर आप देख रहे हो ये वाटर स्केवेंजर बीटल्स का है और इसकी जो पश्च टांगे हैं ये भी देख रहे हो आप तैरने के लिए मॉडिफाई हो जाती है इसके अंदर सेकेंड फैमिली लुकेनिडी इसमें स्टैग हॉर्न बीटल्स है वो इंक्लूड है स्टैग हॉर्न ये आ, मेमल्स है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें आपने देखा होगा स्टैग हॉर्न का जो सींग होते हैं उसके जैसे इसके मैंडिबल्स हैं वो प्रोट्यूट रहते हैं इसलिए उनके बेस्ट स्टैग हॉर्न बीटल्स का नाम दिया है मैंडिबल्स ऑफ मेल इनॉर्मसली लार्ज नर के मैंडिबल है वो आकार में बहुत बड़े होते हैं फाइव विजिबल एस्टरनाइट एबडोम कॉन्स्ट्रिक्टेड विथ अनिस्ट्रीटेड एलिट्रा एबडोम है वो थोड़ा संकीर्णित हो जाता है कॉन्ट्रेक्टेड हो जाता है एंटीनी टाइप की होती है फीड ऑन डिकेंग मैटर है जो डिके मैटर है जो अपघटित हो रहा है पदार्थ है उसके ऊपर ये भोजन के रूप में उनको फीडिंग करते हैं सेक्सुअली मेल और फीमेल को इनमें इजीली आप पहचान सकते हैं एग्जाम्पल ल्यूकेनस ल्यूनिफर ये जो फिगर है ये सारे स्टेगॉन बीटल्स के यहाँ पर दिखाए हैं नेक्स्ट फेमिलेबीडी इसमें डंग बीटल्स है उनको इंक्लूड किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं खेतों में जैसे आप घूमने जाते हो तो देखा होगा गाय के गोबर जो होता है गाय का गोबर जैसे आ, आ, डंग है और दूसरे दिन जाके आप देखो तो सारा गाय का गोबर है गायब हो जाता है वहां पर मिट्टी के छोटे छोड़ छोटे पैचेज होते हैं तो पूरे एक दिन में है दो किलो तीन किलो गाय के गोबर का जो पॉट है उसको ये छोटी बॉल में कन्वर्ट करते हैं और नीचे जमीन में ला कर ले जाकर उनको स्टोर कर देते हैं और इनको एज ए फीडिंग मेटीरियल के रूप में आ, काम में लिया जाता है क्योंकि काउडंग के अंदर भी काफी एमिनो एसिड्स मिलते हैं कैरोटीन मिलते हैं मिनरल्स मिलते हैं विटामिन मिलते हैं गाय के गोबर में पूरा रिसर्च है पीएचडी है वो अवार्ड हो चुकी है और आ, कुछ बर्ड्स हैं जो काउडंग को खाती है विशेषकर जैसे इजिप्टन वल्चर है ब्लैक आइविस है कैटल एग्रेट्स है तो इन के अंदर कैरोटीन की वजह से इन बर्ड्स का जो हेड वाला जो रीजन है थोरेक्स वाला इसके जो जो पंख होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते, जाते, जाते हैं तो कलर डेवलपमेंट है वो गोबर गोबर की वजह से ही होता है इसके मेन कॉमेट्स में सिक्स विजिबल एस्टरनाइट एंटीना एड टू टेन सेगमेंटेड रोल इनटू स्मोल बॉल्स एज फीडिंग ऑफन रात्रिचर स्वभाव के होते हैं मेन uh, एग्जाम्पल है इसमें कॉकोनट बीटल है जैसे काउडंग बीटल बीटल है है ये दो फिगर मैंने शेयर किए यहाँ पर uh, ये काउडंग बीटल्स हैं और आप देख रहे हो गोबर की छोटी चोट छोटी गोल गेंद बनाते हैं और उनको लुढ़का के उल्टे चलते हैं देख रहे हो इसका हेड नीचे है और एबडोम को इन्होंने अपराइट कर लिया है इसके अंदर और उल्टे चल के इसको है लुटकाते ये अपने नेस्ट के अंदर इनको ले जाते हैं ये जो फिगर है रिनोसिरस बीटल है गेंडेव जैसे सिंग होता है आ, उस तरह इनका यह हॉर्न एंटीरियर पार्ट है वो बुडफाई हो जाता है इसलिए इसको रीनोसिटल्स का नाम दिया है नेक्स्ट फैमिली इज डर्मेस्टिटी इनको स्किन बीटल के नाम से जाना जाता है मेटास्टर्नम ऑफ नॉर्मल लेंथ मेटास्टर्नम सामान्य लंबाई का होता है हेड विथ मीडियन ऑसिलस हेड भी मीडियन और सिलस पाई जाती है बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स इसमें आप देख रहे हैं एलिटॉन पे सूक्ष्म हेयर है हालांकि ये अपने मेमल्स के बाल जैसी सक्सेस नहीं है इनके हैदर हेयर हैं अलग अलग पैटर्न के होते हैं लार्वा कैरेबॉइट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्किन हॉर्न वूल मीट एग्जाम्पल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसको खफरा बीटल के नाम से भी जाना जाता है और इसके लाइफ साइकिल भी आपके कोर्स में है कपरा बीटल्स के नेक्स्ट फैमिली कॉक्सी लेडी इसमें लेडी बर्ड बीटल्स को इंक्लूड किया है है जिस तरह महिलाएं अपने नाखून पे जैसे नेल प्लॉलिश में स्पॉट इस लगा के ब्यूटीफाई कर लेती है डिजाइनदार उसी तरह इनका जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी ब्यूटीफुल है इसमें आप देख रहे हो रेड कलर है और इसमें ये काले काले स्पॉट है इसमें इसे इसको लेडी बर्ड बीटल के नाम से जाना जाता है बॉडी इज कॉन्वेक्स पार्टली कंसिल्ड बाय प्रोनोटम हैं, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स फसलों के ये मुख्य नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट हैं एंड ऑल्सो फीड ऑन एफिड्स, एफिड के वो भी ये भोजन के रूप में काम में लेती है एग्जाम्पल uh, कॉक्सीनेला और एपीलेक्ना ये फिगर फिगरमैन के लेडी बीटल का नेक्स्ट फैमिली मिली इनको डार्किंग बीटल्स के नाम से भी जाना जाता है सेगमेंटेड इन फर्स्ट थ्री विजिबल नाइट कॉनेट टाइप और नॉट प्रोजेक्टिंग क्लॉज वेरी सिंपल एंटीना शॉर्ट लाइव इन कंसीलमेंट एंड स्केवेंजर। एग्जाम्पल इज ट्राइबोलियम कास्टेनियम इनको डार्किंग बीटल्स के नाम से uh, जाना जाता है नेक्स्ट फैमिली मेलोइडी। इसके अंदर ब्लिस्टर बीटल्स जो होते हैं फाला मास्टर जिसको बोलते हैं इस ब्लिस्टर बीटल्स के हैं जस्ट uh, इनके यूरिन से क्या होगा स्किन के अंदर एलर्जी टाइप होती है और छोटे छोटे फाले हो जाते हैं स्किन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है इसलिए हमारे यहां पर इसको लोकली फाला मास्टर के नाम से जाना जाता है टारसाई फाइव फाइव फोर सेगमेंटेड इन बोथ सक्सेस। हेड स्ट्रॉन्गली डीफ्लेक्सड टिट क्लॉज बाई बाई है बाईफ देखना आप ये टांगों के अंदर लास्ट पार्ट अडल्ट सॉफ्ट बॉडीड। फाइटोफेगस होते हैं सम प्रोड्यूस कैंथरेडीन ऑयल उसके अंदर कैंथरेडीन ऑयल वो प्रोड्यूस होता है और इस कैंथ्रेडीन ऑयल का यूज जो है वो बालों को उगाने में किया जाता है तो विशेषकर जो गंजे जो आदमी हैं जस्ट लाइक मी तो ऐसा मानते हैं कि कैंथ्रेडीन ऑयल के यूज से हेयर फॉल है वो कम होता है हेयर के अंदर रीजनरेशन होता है और बाल मजबूत हो जाते हैं क्यूटिकुलज है हो जाते हैं क्योंकि इन, इनकी स्किन में क्यूटिकल है बहुत हार्ड है तो डेफिनेटली इनकी बॉडी में कोई जीन होता होगा जो आ,

अपने अंगूठी के अंदर अपनी अंगुलियों के अंदर रिंग फिंगर पहनती है जस्ट लाइक like अंगूठी की तरह इसलिए इसको जेवल बीटल का नाम दिया है बीटल बोलते हैं और दिखने में काफी ये सुनहरे होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं दे आर ब्रिलियंटली कलर्ड हेड पार्टली संकट इंटू सेरेटेड टाइप की होती है यानी आरी के जैसी एंटीना आप देख रहे हो इसमें जैसे कोई आरी आरी हो दांतियां हो जैसे लकड़ी काटने की uh, उसकी जैसी होती है टाराइफ फाइव सेगमेंटेड विंग्स फंक्शनल टाइप के हो सकते हैं एग्जाम्पल बीटल्स नेक्स्ट फैमिली इनको क्लिक बीटल्स इसके अंदर इंक्लूड है हेड वेरी स्मॉल एम्बेडेड इन थोरेक्स विच इज लार्ज एंड पावरफुल फिटिंग एंड एलिट्रो विद द लेटरल एंगल्स प्रोलॉन्ग बैकवर्ड एंड पोस्ट प्रोस्टल प्रोसेस फिटिंग इनटू टू द मीजो एग्जाम्पल हेट्रोडेरिस, मैक्रोडेरिस, मेलेनोटस फस्कस। ये क्लिक बीटल्स हैं, uh, ये इंसेक्ट भी अपने यहां खूब मिलते हैं और विशेषकर जो बर्ड्स हैं, सिकोनिफर ऑर्डर के जो बर्ड्स हैं वो इनको एज ए फीडिंग मेटेरियल के रूप में इनको काम लेते हैं नेक्स्ट फैमिली इज लैपायरिटी इसके अंदर फायर फ्लाई है उनको इंक्लूड किया है यानी जुगनू जो होते हैं हाँ। शॉर्ट इन फ्रंट ऑफ फोर कॉक्सी ट्रॉकेटर छोटे होते हैं हाइंड कॉक्सी विथ फीमोरल प्लेट इन फीमेल सेक्सुअल डाइमोरफिजम लैंग्विक द्वीरूपता पाई जाती है ल्युमिनिशेंट ऑर्गेन इन वन सेक्स ल्यूमिनिशेंट यानी प्रस्फूर दीप्ति वाले बायोलूनि वाले लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं रात्रिचर होते हैं अडल्ट फीमेल लार्वी फॉर्म होती है या एप्टेरस होती है तो अभी इधर आप बीकानेर जाओ लूनकरण की तरफ है आ, ये अपने चूरू में जैसे बीदासर कातर का एरिया है देशनोक का एरिया है नोखा एरिया है इधर आप रात्रि में यदि निकलते हो तो आपको हजारों की संख्या में फायर फ्लाई लाइट ब्लोविंग करते हुए आपको ये मिल जाएंगे एग्जाम्पल लेप्रोफोरस एंड तो जुगनू है वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है नेक्स्ट फैमिली इज एलिडी इनको लीफ बीटल के नाम से जाना जाता है माइन्यूट टू तो स्मॉल हेड हाइपोगनेथस एंटीना मॉडरेट लेंथ की होती है एलेक्ट्रा साइनिंग होती है फाइटोफेगस होते हैं अब इसके आप एलेक्ट्रा देख लो इसमें साइनिंग है मेटेलिक की तरह और जब इन पे लाइट गिरती है तो इनके पंख जो होते हैं दूर से ही चमकते हैं जिस तरह बरसात के दिनों में देखा होगा पतियां चमकती है सनलाइट गिरती है। उस तरह इनकी अपियरेंस होती है एग्जाम्पल कॉलर बीटल्स एंड रेड पंपकिन बीटल नेक्स्ट फैमिली इज इस सरम इसमें सि लॉन्गिकॉर्ड बीटल्स को इंक्लूड किया है ये इंसेक्ट भी अपने यहां काफी मिलते हैं एंटीना टू थर्ड ऑफ बॉडी लेंथ शरीर की लंबाई की दो तिहाई एंटीना है वो लंबी होती है इस इंसेक्ट में आप देख रहे हो एंटीना देखो बॉडी से कितनी लंबी है टीबिया विथ टू स्पर टीबिया में दो स्पेर पाए जाते हैं पेस्ट ऑफ फ्रूट ट्रीज जितने भी फल वाले पौधे हैं उनका ये मैन पेस्ट होता है एंटीना कैन फ्लेक्सड बैकवर्डली एंटीना पीछे की तरफ फ्लैक्स होती है एग्जाम्पल मैंगो स्टैम बॉर्डर तो आम के जो प्लांट है, है उनके ऊपर ये पेस्ट के रूप में मिलते हैं कई बार देखा होगा पीले पीले जो आम होते हैं चौसरी आम जिसको बोलते हैं उनमें रेनी सीजन में उनके अंदर इंसेक्ट जो होते हैं निकलते हैं छोटे छोटे लार्विज निकलते हैं क्योंकि उनको ये आ, इंफेक्ट कर देती है उनके अंदर अंडे दे देती है नेक्स्ट इज ब्रोकीडी इसे पल्स वीटल्स को इंक्लूड किया है एंटीना शॉर्ट होती है ऑफन पैक्टिनेट और सिरेटेड टाइप वन टीबिया विथ इस पर लीगुलट ग्रेन बॉर तो खाद्यान्न जो होते हैं धान मोट है मूंग है हैं, उनको ये पंक्चर करके अपने प्रोवोसिस से पंक्चर करके ए, उसमें जो मैटर होता है उसको ये खा जाती है और पूरा धान जो होता है फिर सड़ जाता है इसके अंदर एग्जाम्पल कैलोसोब्रोकस साइनसिस इसको पल्स बिटल पल्स मतलब दलहन जो होते हैं मोट है मूंग है चना है ए, उनके अंदर ये मैन फेस्ट के रूप में होती है Next family is इसके अंदर फैमिलीज को इनक्लूड किया है Head more or less produced into a Head है हैड है, के के रूप रूप में, में। में में तुंड ये ये छोटे में कन्वर्ट हो जाता इसके द्वारा पंक्चर किया जाता है खादे के अंदर एंटीना जेनिकुलेट और क्लब टाइप क्लब मतलब इसका अग्रभाग ऐसे बालाजी के घोटे की तरह होता है इसमें. ट्रोंकेटर इलांगेटेड होता है बेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसलें हैं उनका ये मैनफेस्ट होता है इसके में एग्जाम्पल है कॉटल बॉल वीविल्स राइस वीविल्स एल्फा एल्फा बीटिल्स तो ये ओवरऑल ऑर्डर कोलिप्टेरा का एक जनरल क्लासिफिकेशन जनरल सर्वे और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इकोनॉमिक दृष्टि से देखें किसी भी एस्पेक्ट से देखें uh, कोलिप्टेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट uh, ऑर्डर और आप जब इंसेक्ट कलेक्ट करोगे तो आपको कम से कम पंद्रह वैरायटी के बीटल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे स्पीसी तो काफ़ी ज़्यादा है नहीं? पचास के आसपास यहाँ पर हमने सर्वे किया है पहले फिर भी आप नॉर्मल कलेक्ट करोगे तो भी आपको कम से कम पंद्रह से बीस वैरायटी के इंसेक्ट आपको इस ऑर्डर के मिलेंगे और उनकी कौन सी फैमिली है उसको पहचानने में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपने व्याख्यान बहुत ध्यान से सुना इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर साइंसिटी एंड ऑल्सो राइट योर कॉमेंट्स आप इस वीडियो पर कॉमेंट भी लिखें यदि वीडियो अच्छा है इंटरेस्टिंग है नॉलेजेबल है इसमें कोई ड्रॉबैक है कोई शॉर्टकमिंग्स हैं uh, तो वो भी आप uh, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा फीडबैक देते रहे ताकि नेक्स्ट प्रोडक्शंस में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें एक बार पुनः हैव ए गुड डे हैव ए ग्रेट डे और स्वाधीनता दिवस की सभी विद्यार्थियों सभी साथियों और इस देश के देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू वेरी मच